गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो आज गाइस संडे है और आज मैं बहुत देर से उठी हूँ, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत देर से उठी हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 2 से 3 महीने के बाद मुझे कोई एक ऐसा संडे मिला है जिसमें मैं आराम से सो के उठ चुकी हूँ, और इसे भी इसी समय बोलना है जिस समय मुझे बोलना है। तो मैं बता रही थी कि मैं करीबन 2 महीने से 3 महीने बाद आज मुझे एक ऐसा संडे मिला है कि मैं चैन से सो के उठी हूँ थोड़ी देर से, क्योंकि हर संडे कुछ ना कुछ या तो बाहर थी या ट्रैवल कर रही थी या कुछ ना कुछ घर में लगा ही रहता था। नवरात्रि है, कभी पेपर है, कभी कुछ है, तो संडे नाम का कुछ भी नहीं हो पा रहा था मेरी लाइफ में। आज जाके वो भी रात में, कल मैं 1 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तो मैं घर वापस ही आई हूँ। कल हेयर में मेरा बहुत टाइम लग गया था, 6 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं 6:15 के करीबन वहाँ पहुँची हूँ। स्टार्ट करते करते उन लोगों को भी प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में, शेड सेलेक्ट करने में, नॉल में टाइम वाइम लग गया, तो करते करते 7 समझ लो 7:45 या 7 बज गया होगा शुरू होते होते। और फिर तो उसके बाद आप लोगों ने देखा ख़त्म मेरा ऑलमोस्ट हुआ था 9 बजे, तो 6 से 9 9 साढ़े 9 हो गया था, हाँ 9:30 मैंने वहाँ से छोड़ा। थोड़ी देर हम लोग बातें बातें हंसी मजाक करने लगे और थोड़ा सा यही वो लोग भी वीडियो ले रहे थे मेरे पीछे बैक से, यहाँ से बालों का पूरा फोटोज़ ले रहे थे, और थोड़ा स्टाफ लोगों से भी थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ। ये वो हर चीज़ मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाई इतना, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि बस छोटा छोटा डाला करो, बड़ा होता है ब्लॉग इसलिए हम लोग नहीं देखते। तो खैर मैंने उतनी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें एडिट कर दी, काट कूट के फेंक फाक दी, तो जितना ज़रूरी था उतना मैंने दिखा दिया। खैर मैं जो पॉइंट है वो उस पर आती हूँ। मैं आती 9:30 करीबन वहाँ से छोड़ा, फिर हम लोग गए गंज में, वहाँ पे रॉयल कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट है जो कि लखनऊ के होंगे वो जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है। मैं करीबन वहाँ पे जब से लखनऊ आई हूँ तब से वहाँ जा रही हूँ। कल लेकिन वहाँ पे स्टाफ ने इतनी बदतमीजी करी, पहले तो 1 घंटा हम लोगों ने ऑर्डर देके बैठे रहे, वहाँ पे कोई मतलब कुछ भी नहीं, आप पानी तक नहीं मिल रहा था। हाँ ये मानते कि भीड़ बहुत थी, बट भीड़ होने की वजह से ये नहीं होता कि ना कि आप अपने कस्टमर को इस तरीके से मिसबिहेव करो। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बदतमीजी स्टाफों की, इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही मैं बताऊं, बहुत ही घटिया लोग, मतलब पहली बार मैंने ऐसा जगह पे देखा। उनके छोटे शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाए उन लोगों की, बदतमीजियों के स्टाफ किस तरीके से बात कर रहा था कि आपने ऑर्डर दिया, क्योंकि क्या हुआ मैं क्लियर आप लोगों को पूरी बात डिटेल में बताती हूँ। हम लोगों ने ऑर्डर दिया, 1 घंटे के करीबन हम लोगों को ऑर्डर दिए हुए हो गया, हम लोगों के अगल बगल जो भी टेबल पे आ रहा था ना उन लोगों का ऑर्डर हो गया हम लोगों के बाद जो आए, 5 मिनट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, लेकिन हम लोगों ने जो किया हुआ था 1 घंटा हो गया ना हम लोगों को ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ हम लोगों को लगी कि चलो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपने उनको क्यों दिया, ठीक है आप दो आपके कस्टमर हैं, बट जो पहले किया है उसको करो। हम लोगों ने ऐसा भी कोई आइटम नहीं ऑर्डर किया था कि जो आपको बनाने में इतना टाइम लगे। हम लोग वेजिटेरियन हैं, अगल बगल वाले मेरे नॉन वेजिटेरियन थे, उन लोगों को नॉन वेज सर्व हो गया था, लेकिन हम लोगों को सिंपल से एक पनीर और नान नहीं सर्व हो पा रही थी। 4 बार हम लोगों ने उन लोगों को बुला के बोला कि भाई कितना टाइम, बोले अभी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से करके मिसबिहेव कर रहे थे बार बार, और हम लोगों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उठ गए, बता रहे हो मैं नहीं अब खाऊंगी, आपको खा नहीं, आपने ऑर्डर किया है तो आपको तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका पैसा लेके जाऊंगी। हमने कहा खाया ही नहीं है, हम पैसा क्यों दें। तो आपने पानी खोला, मैंने कहा ठीक है पानी का बिल लाओ हम पैसा दे देंगे। तो तुम करो मैं उसका वीडियो बनाए, आप वीडियो नहीं बना सकती, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा फ़ोन है, मेरा कैमरा है, मैं बना रही हूँ, तुम उसमें कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो खैर फिलहाल अभी तक तो मैंने डाला नहीं है, मैं यही सोच रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के यहाँ किया नहीं है, डाला नहीं है, बना तो मैंने उसकी बदतमीजियों का लिया है, बट वही चीज़ है ना कि अगर और भी 2 कस्टमर्स थे वो लोग यही बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, वो वायरल कर देंगी तुम्हारा और नाम तुम्हारा खराब हो जाएगा, वो बहुत आजकल वीडियो पड़ जाते हैं, रेस्टोरेंट चलता नहीं है, ये वो सब पीछे से सब कस्टमर बोल रहे थे। लेकिन बदतमीज उस पर भी बोल रहा है, अरे हम इनके वायरल करने से हम डरते नहीं हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा ठीक है फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, कभी किसी को बदनाम या किसी को ऐसे इस तरीके से करती नहीं हूँ, मेरा ये सब काम ही नहीं है।
तो फिलहाल ये कल हुआ। तो एक उसने अपनी मम्मी के लिए ली है। अपनी क्या, तुम्हारी मम्मी के लिए? अरे अपनी मम्मी, मेरी मम्मी सब एक ही। सची को कब से चाहिए? यही दी हो, यही अपने मम्मी ले ली। नो नो, नो, ये मेरी है। अरे ये मेरी है, मैंने अपनी मम्मी के लिए। अच्छी अच्छी तुम्हें दी, अपनी मम्मी के लिए जी लिया। ये वाह, अपने ये मेरी मम्मी के लिए, ये अपनी मम्मी के लिए ली सर। कितनी सुंदर, ले लो तो अच्छी। ले लो बस, ले लो। भाभी भी निकाल देंगी पहने करते थे। लो लेके चलो, टिक ओके। ये तो भाभी मेरी, ये क्या लो, बच्चा लिया ना, मैं भी खाली कर दूंगी। ये लो झोला भर लो, इसी से सब भर लो। घूमता है जो घूमती है। ये इसमें का नहीं ब्लाउज है, ये दी है। कहां गया ब्लाउज? किसका ब्लाउज दिया था ना, नीले रंग का ब्लाउज? ये इसका नहीं है बेटा, इसका नहीं है। ये तो इस साड़ी का नीचे एक होगी वाइट वाइट। चलो भैया, ये सिलाने वाला, ये तो ब्लाउज पीस है। हां सिलवा ले, ये बस सिलवा ले, ये इसकी ब्लाउज है। ये तो मुझे नाम बता दे, हम सिलवा ले। कुछ ने पीस भी नहीं दिया और सिलवा ले। कौन सा, कब कहा था तुमने? हमने कहा था, आपने कहा पिंकी। मैं ले रहा हूं, आज से को पूछो तो मैंने से कहां निकला है वो अटैची में ऊपर पर अटैची में अलमारी में। अब आज निकला है, ले लो ब्लाउज, सिलवा बेटी को, सिलवा दीदी। हमारी मम्मी कहती है, हमारी ये तो है भैया, भैया की सबसे नई साड़ी है। तुम अगर पहनो तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी। गोल्डन और मैरून है साड़ी, मैरून है, मैरून ये एकदम नई है। फ्लिपकार्ट से भी तो मंगाई थी। अभी एक ब्लाउज पहनी नहीं, लेकिन इसका ब्लाउज लिया तुमने? हमको कॉटन की अच्छी नहीं लगती, पता नहीं, और मोटे लगते हैं। हमको पहनाए थे कॉटन की, अब मोटे मोटे से लगते, फूल जाती है ना, इसलिए ये लोग ने ब्लाउज पीस। देखिए ये मेरी भाभी है, बहुत अच्छी भाभी है। ये बच्चों को ज्यादा मानती है, जैसे कि ये छोटा बेबी ली है। भाभी तो बड़ी ना, कितनी लाइक ये देखिए, ये भाभी बहुत बच्चों को मानती है। और ये चलो हो गया, सब लोग आ जाओ एक बार, पूरी टीम एक साथ। ये इधर हो गई है दूध, और ये है ढकी हुई है, ये ले देखिए। सबसे छोटा जो मेंबर है वो छुप गया है, बाकी सब दिख रहे हैं। ये देखिए, ये अना भी दिखा रही, और पीछे चली गई। छुप क्यों रही हो पागल? भरतनाट्यम लग रहा है, ये चिपट रहा है हमारे। सीधा करो, सीधा तो कर उसे। जेंगू राज चल रहा है, इसे बाहर करके जाओ वरना ये अंदर आ। सीधा तो हो गया। हाँ सीधा मैंने कर दिया पैर से, अब मैं चुन्नी से फिर पकड़ जाएगा। सोना दीदी, सोना दीदी, आया मत इधर, पिंकी कर दूंगी। तो ये जा रहे मेहमान जी बाहर, इसे अपने ही ऊपर फेंक दिया। गया, पता नहीं कहाँ गया। चलो तो गाइस फाइनली अब सब लोग जा चुके हैं, बहुत गच पच के बाद और ये सब करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ। और खाना तो बन चुका है, बस अभी इन लोगों ने खाना खाया नहीं है, तो 10 मिनट में करूँगी रेस्ट, फिर उसके बाद लगाऊंगी लंच और फिर करेंगे सब लंच। हेलो गाइस, शाम के बज गए हैं 7:30। अब मुझे भी किसी की तरह बीमारी लग गई है हर थोड़ी देर में टाइम बताने की। नहीं, मैं रोज़ रोज़ नहीं बताती, मैं कभी कभी ही बताती हूँ, आज बता रही हूँ, वरना मुझे भी वो रील्स बनाते बनाते ना वो टाइम बताने का। गाइस शाम के बज गए हैं 7:30। नहीं नहीं, वो ऐसा मैं नहीं करने वाली, मैं आदत नहीं बनाने वाली, बट 7:30 बज गए। मैं ये बता रही हूँ कि आज संडे है और घर का किचन एकदम साफ सुथरा पड़ा हुआ है, तो जिससे कि आप हिसाब लगा सकते हो कि आज किचन बंद है, लेकिन पेट बंद नहीं है। पेट तो कुछ मांगेगा जैसे 8 या 8:30 बजेगा, तो क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कुछ कहेंगी? हेलो बाय बाय। तो ये अभी अपनी कर रही है पढ़ाई, इनको कल कुछ काम वाम है जो करके देना है स्कूल में। पहले तो पूरा दिन देखो उठी हूँ, फिर अब कर रही हैं काम, तो लेकिन जाएंगे तो भई हैं, मंगाएंगे कि जाएंगे, क्या करूँ, जाएंगे। तो तुम्हारा काम कितनी देर का है? अभी भी इनका आधे घंटे का काम बाकी है, तो आधा घंटा मीन्स 7:30 बजे 8 बजे इनका काम ख़त्म होगा, तो उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। तो पहुंचते पहुंचते 9-10 बजे का खाना हो जाएगा ख़त्म। कल एक कांड हो चुका है रॉयल कैफ़े में हम लोग के साथ, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से हो वैसा कांड।
कल मेरे हाइलाइट्स का, मेरे प्रमोशन वाले वीडियो का मेरा वो सेलिब्रेशन रह गया, तो मैं नहीं चाहती कि आज भी वही हो मेरे हाइलाइट्स प्रमोशनल। बहुत दिनों बाद मिला था गाइस, तो मैंने इंजॉय करना था, लेकिन वही है ना, रॉयल कैफे वालों ने मेरे सेलिब्रेशन पे रायता फेर दिया, पानी फेर दिया, क्या ही मैं बोलूँ। खैर अब आज सोच रही हूँ, लेकिन अब ये रायता फैलाने पे लगी हुई है, ये अपने काम लेके बैठी हुई है। खैर पढ़ाई एजुकेशन ज़रूरी है, ऐसा मत समझना कि मैं कुछ गलत मैसेज दे रही हूँ, बट वही ना, सुबह से कर लेना चाहिए था ना इस लड़की को कि शाम को मुझे जाना है। पूरा दिन पता नहीं क्या घाच पाच दिन में आपके काम में लगी रही, ये समेटो वो समेटो, अपनी अलमारी ठीक कर दो, अपना कपड़ा ठीक कर दो, अपना ये नहीं करो, अपना वो नहीं कर दो, ये डिस्पोज कर दो, ये रख दो, ये कर दो, अब क्या दिन में अपना काम ही कर दो। तो गाइस आवाज तो आ नहीं रही होगी क्योंकि इतनी दूर की आवाज आती नहीं है, मेरे पास माइक है। गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत तो कोई मैसेज देखो नहीं है, मैसेंजर नहीं हूँ मैं जो मैं मैसेज दूँ, ठीक है। तो खैर इन्होंने की गलती तो है कि इन्होंने सुबह से उठ के नहीं, 12 बजे तो उठा गया भाई, उसके बाद उठी है नहाई है, सबको एक ही दिन मिलता है। मुझे तो 2-3 महीने बाद शायद संडे आज सोने को मिला था, फिर भी मैं 7-7:30 बजे कितने बजे उठ गई थी शायद, हाँ उससे ज्यादा नींद ही नहीं आ रही थी यार। आधा था सुबह 5 बजे उठने की, 6:30-7 पे एक बार पहले नींद खोली, घड़ी जल्दी से एक आंख से ऐसे खोल के घड़ी देखा, अरे अभी तो इतना ही बजा, सो जाओ, फिर सो गई। सो ही क्या, मतलब हर चीज पीछे की सुनाई दे रही थी, आवाज सब सुनाई देता, अब ये दरवाजा खुल रहा है, अब वो अलमारी खुल रही है, अब बाहर घंटी बज रही है, सब सुनाई दे रहा था, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक सारी मेरे सब सुनाई दे रहा था। तो इस कमरे में सो तो नहीं रही थी, जस्ट लेटी हुई थी, बिस्तर नहीं छोड़ रही थी कि भाई आज छुट्टी है तो आज मैं देर से ही बिस्तर छोड़ूंगी। उठ जाओ तो क्या है, चाय बना दो, एक बार और चाय बना दो, अच्छा वो ठंडी हो गई थी, एक बार और चाय बना दो, वो वाली चाय बहुत ज़्यादा वैसी थी तो ऐसी बना दो। संडे पूरा दिन चाय के लिए जाता है, हर चाय में कुछ ना कुछ मीन में एक निकलता है, पहली बात तो एक मीठी हो जाती, एक फीकी हो जाती, एक गर्म रहती, एक ठंडी हो जाती, तो ये चार नुक्स हर बार निकल गए, तो 36 बार चाय बननी, तो इससे अच्छा मैंने सोचा सोते रहो, पड़े रहो बिस्तर पे, बाहर मत निकलो कमरे से, बाहर निकले नहीं, डेंजर जोन है बाहर। तो मैं आज सोई हूँ, और आज दोपहर में 4:30-5 बजे तक तो काम ही करती रही, फिर उसके बाद जाके थोड़ी देर लेटी फिर डोरबेल बजने लगी, अब फिर वहाँ गई तो फिर तब से उठे, फिर चाय वाय बनवाई पी, वही कई सारे लोग आ गए थे। अभी देखो भी फिर कुछ एक दो लोग पलटन आने वाली है, अभी आएंगे सब, एक जन का बर्थडे है, वो केक लेके भी है, बोल तो गई है कि अभी हम केक लेके आते हैं, तो अभी हो सकता है अभी केक वेक भी आ रहा हूँ, तो गई मैं नहीं इसलिए केक आ रहा, इसको जाना था, मुझे तो नहीं जाना था, इसे जाना था, तो मैं तो ऐसे भी नहीं जाती, बच्चों के मैं कहाँ मैं जाना, तो केक वेक लेके अभी पलटन सारी अभी वापस आएगी, जो भी सुबेरे जो थी वो सब अभी आएगी, तो वही सुबह बुलाने के लिए आई थी, तो मेरे को ये भी नहीं जा रही है, हम लोग जा रहे हैं कहीं और खाना खाने, तो चलिए मिलती हूँ फिर वही रात के खाने के, डिनर कहाँ जाते क्या खाते हैं दिखाते हैं। खाओ घड़ी भूल गए। तो ये गाइस आज कल लोग, मैं वाइट वाली सैंडल पहनने जा रही थी, इन्होंने छीन ली मेरी, ये मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, बट मेरे बाल देखो गाइस कैसे लग रहे हैं, मेरा फुल लुक देखो, हाइलाइट्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताना अच्छे लग रहे हैं या नहीं, मेरे ऊपर ये कलर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे कर्ल्स पीछे स्ट्रेट है, बड़े सुंदर लग, आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अभी तो मैं निकल रही हूँ, अब ये चप्पल इस पर मैच नहीं कर रही है, घड़ी पहन के आती हूँ, जल्दी जाओ, मेरी तो फुल स्लीव्स है, मुझे घड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तो फुल स्लीव है, ये मैं गाड़ी में भी बैठ के पहन सकती हूँ, कोई बात नहीं, तो मिलती हूँ गाइस, हम निकल रहे हैं बाहर, मेरा देखो, और मिलती हूँ बाद में, बत्ती बंद कर, मैं थी गर्मी में फुल स्लीव, ये अरे अरे अरे, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, बूंस हम लोग पहले आते थे इधर 5-6 दिनों से, हम लोगों ने छोड़ दिया, दूसरी जगह ट्राई कर रहे थे, और बहुत दिनों बाद आए, यहाँ के स्टाफ लोग सब जानते हैं, तो बोल रहे थे कि बहुत दिनों बाद आई हैं, कुछ लोग हैं खा रहे हैं, उन लोगों का भी खाना आया नहीं है, जस्ट प्लेट आई है,
और क्या मंगाया है ये तो मेरे लिए आप लोगों के लिए मतलब मेरे लिए क्या आएगा ये आप लोगों के लिए गैस करना बहुत ईजी है क्योंकि मैं सिर्फ पनीर और आलू पे ही तो जीती हूँ। या तो आलू आएगा या पनीर तो बाहर निकल के आलू तो कोई नहीं खाएगा तो पनीर ही मंगाएंगे। तो भैया चार किस्म की पनीर होती है जैसे एक आज खा ली एक अगले संडे खा ली तीसरी अगले संडे खा ली चौथी अगले संडे खा ली तो पाँचवें संडे फिर वही एक नंबर पर आ गई। तो बस इसी चार तरीके की पनीर पे जिंदगी बसर कर रही हूँ। आज पता नहीं कौन सी पनीर नंबर आती है तो दिखा देती हूँ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो चल आप लोगों को भी खाना तो आज हम आप लोग ज्वाइन करो मुझे खाने में किस किस को मेरे साथ खाना है बताओ कमेंट करके बताओ। इस खाना आ चुका है तो आप लोगों को एक लुक दिखा देते हैं झटपट। ये देखो ये है पनीर वो है उनका नॉन वेज जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और ये आ गई है नान। तो अब खा रहे हैं आप लोग खाना है तो समझ आ जाओ खाना तो गाइस हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो चुका है और पूरा दिन आज बहुत ज्यादा हेक्टिक रह चुका। अब करते हैं व्लॉग को बहुत जल्दी से खत्म क्यों क्योंकि व्लॉग हो चुका है बहुत लंबा। तो अब इससे ज्यादा आप लोगों को और व्लॉग में कुछ देखना है नहीं इतना ही देख लो बहुत है। तो जल्दी से करते हैं व्लॉग को एंड मिलती हूँ आपसे कल। सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो तब तक के लिए टेक केयर गुड नाइट टाटा बाय बाय लव यू ऑल।